अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूसा की हो गई है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। दो दिन से मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया इसलिए क्योंकि पूरा टाइम मूसा के साथ थी। मुझे भी फ्लू एंड फीवर हो रहा था लेकिन इतना ज़्यादा ना जितना मूसा को हो गया। मूसा ये बैठा हुआ और मूसा की नोज़ी आई, उसने टीवी भी साफ कर ली। कितनी गंदी बात है, आपके पास नैपकिन पड़ा हुआ है ना बराबर में, कितनी गलत बात की आपने। उठाओ वो उससे साफ। अच्छा मैं मूसा इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, इतनी सी तबीयत ख़राब है, हम लोग को बता नहीं सकती। और दो दिन से डिले हुए जा रहा है कि मुझे समर स्टफ निकालना है, विंटर स्टफ अंदर डालना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मूसा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको टाइम देना पड़ रहा है। तो बस ये सीन है। अब मैंने इसको समझाया, इससे बात की कि भाई प्लीज़ मूसा थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, क्योंकि अगर मैं अभी भी नहीं निकालूंगी, मैंने कहा अगर मैं अभी भी निकालूंगी गर्मी बढ़ती जा रही है यार। तो बस ये सीन है। अब सूटकेस लेके आते, निकालते हैं, रखते हैं, ये काम करते हैं। मैं वहाँ ये देख रही थी कि कोई खड़ा हुआ है। लोगों को तमीज़ नहीं होती यार, लोगों की खिड़कियों के आगे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, कोई मैनर्स ही नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं। फाइनली तो मुझे मूसा से इजाज़त मिल गई है कि मैं जा सकती हूँ, सूटकेस ला सकती हूँ, अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये सीन है, मैं शुरू करती हूँ। और सूटकेस यहाँ रखा हुआ है। एक और बात वो ये कि क्या थी, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा। गैस नहीं है, मतलब क्या गर्मियाँ आ गई हैं और मैंने 12 बजे से गैस है ही नहीं। मैंने माइक्रोवेव में चाय बनाई है, मतलब इतनी कोई मुश्किल हो गई ना, मतलब क्या प्रॉब्लम है ये। गैस दिन में गैस नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं गैस, मतलब हमारे घर में गैस आती ही नहीं है। मतलब पता नहीं क्या हो गया, कैसे खाना पड़ेगा। ओके, इतना कोई हैवी सूटकेस से फाइनली मैं ले आई हूँ अपने रूम में और बस अब उसको खोलते हैं। अनबॉक्सिंग की मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, मुझे पता है गर्मियों के कपड़े हम वहाँ से सर्दियों के निकालते हैं, यहाँ से गर्मियों को डालते हैं, फिर मैं आपसे मिलते हैं। तो यस, मैं अभी भी अपने कामों से फ्री नहीं हुई हूँ क्योंकि जब कपड़ों का फैलता है ना मैस तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कौन से रखने कौन से नहीं रखने हैं वो सब। फिर खाना बनाना था, मूसा की तबीयत ठीक नहीं, तो उसने इतना कोई तंग किया हुआ है ना, तो ये सीन है। मूसा का अलग बनाना था, लाइक अपनी मानती दाल चावल बनाने थे और फिर सोचो कबाब भी बना लूँ उसके साथ, लेकिन मुझे नहीं पता अभी कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो सरप्राइज़ मिला है मैं बता नहीं सकती, मतलब उस सरप्राइज़ ने तो सारी थकन दूर कर दी है, लग ही नहीं रहा कि मैं थकी हुई हूँ कुछ भी, क्योंकि और जवाब नहीं आया, और जवाब थोड़ी देर तक भी नहीं आने वाले, और देर से ही आएंगे, अभी 7 बज रहे हैं और गला भी ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ। दिखाऊँ क्या है, वो ये है गोलगप्पे और मीठे दही बड़े, लाइक वो भी जो है मेरे पापा ने, उन्होंने किसी को बोला होगा कि ला के दे दो, तो उन्होंने ला के दे दिया वो। बस अब मैं क्या बताऊँ, अभी लेके आए थे और मुझे नहीं पता था, और जब ऐसे सरप्राइज़ मिलते हैं ना तो फिर तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार सच में। एक पता होता है ना उसके बाद आते हैं तो उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती है। आप काम कर रहे हो, आपको कुछ होश नहीं है, बस जल्दी जल्दी से निपटाना है, चार लेने जाना है, और बीच में से अचानक से आपको ये सरप्राइज़ मिले कि मतलब दोनों ही चीज़ें आपकी फेवरेट, मीठे दही बड़े भी और गोलगप्पे भी, किसके फेवरेट नहीं होते। तो बस हम मूसा को नहीं दिखाएंगे क्योंकि मूसा का गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वैसे कोई खाता भी नहीं है इतने शौक से, तो बस जल्दी से ये इन्जॉय करते हैं। और दाल रेडी हो गई है, मूसा की यखनी रेडी हो गई है, राइस बनाने हैं और कबाबों को रेडी करना है, वो काम बचा हुआ है अभी मेरा, और मुझे शाल लेना है। जियो खाना है तो आ सकता है ज़रूर, मेरा इतना बड़ा मुंह है नहीं जितना ये बड़ा गोलगप्पा है। अब बारी है इसकी मीठे दही बड़े की, चलें इसमें डालते हैं हम। किस किस का दिल चाह रहा है,
खाने का। आई एम श्योर बिलाल का तो ज़रूर चार होगा, क्योंकि जब मैं हलवा पूरी खा रहा था तभी बोलता यार बाजी मेरा हलवा पूरी खाने का दिन चाहे तुमने वीडियो डाल दी थी, मेरा गोलगप्पे खाने का चाहे। ख़ास तौर पे गोलगप्पे मैंने उसी को दिखाए हैं। मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना गोलगप्पा चैलेंज करें, मतलब गोलगप्पे का चैलेंज करें, लेकिन किसके साथ करें? जवाब के साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मैं हार जाऊँगी। किसी ऐसे शख्स के साथ करना चाहिए मैं हारूँ ना। आप लोग सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, फिर डेफिनेटली गोलगप्पा चैलेंज करती हूँ मैं किसी के साथ और बहुत जल्दी, देखते हैं कौन जीतेगा फिर। तो बस मूसा की तबीयत की वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकी, तो बस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।